प्लेयर मूर्खगदा द फूलिश डॉकी वी विसाइज पार्ट लेट सी द एक्साइज पार्ट एंड यू कंप्लीट द क्लास वर्क ओके शब्द भेद ओकैबलरी शब्द भेद ओकेबलरी मीन मीनिंग्स विक्रोध बेचने वाला सेलर नलधारा स्ट्रीम भोज भार वेट मालिक Swa Swami Malik Swami Master Karni ka what is this? Karya. Karya means act. The work is going process is called karya. Ka, karni karya act. See the words you have to write in the classwork. And here are few words. Nazdiq. पास नियर नियर एकाएक अचानक सडनली जान बूझ कर जानते समझते नोइंगली पर्पसफुली नोइंगली और रूही कपास कॉटन पचता पच्चता पश्चाताप करना टू रिपीट नॉट टू रिपीट सी दीज वर्ड्स यू हैव टू राइट इन द क्लास वर्क यू कैन सी here क्लियरली ओके देख सकते हैं मैं नोटबुक में आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखी हूँ कैसे लिखने का आपको नॉलेज होता है इसीलिए निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दो निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दो गधे का मालिक कौन था गधे की सॉरी गधे का मालिक एक नमक विक्रोत था गधे का मालिक एक नमक विक्रोत गधे का मालिक क्या काम करता था गधे का मालिक क्या काम करता था गधे का मालिक गाँव गाँव नमक बेचता था गधे का मालिक गाँव गाँव क्या करता था नमक बेचता था लेट्स टू थर्ड क्वेश्चन नमक के भेरे का वजन कम कैसे हुआ नमक के भेरे का वजन कैसे कम कैसे हुआ कम कम कैसे हुआ गधे पर नमक लड़का लटका कर गाँव गाँव बेचता था रास्ते में एक नाल था गधे पैर पिसल कर गिर पड़ा नमक पानी में घुल गया इसीलिए वजन कम हुआ गधे पर नमक लड़का कर गांव-गांव बेचता था रास्ते में एक नाल था गधे का पैर पिसल कर गिरा गधे क्या हुआ पैर पिसल कर गिरा गिर पड़ा नमक क्या हुआ पानी में गुल गया पानी में गुल गया इसीलिए वजन कम हुआ जानबूझकर पानी में क्यों गिरा गदा जानबूझकर पानी में क्यों गिरा क्योंकि बेरे का वजन ज़्यादा होने से क्योंकि क्योंकि क्या हुआ बेरे का वज़न ज़्यादा होने से वह जाना जान बूझ पानी में गिरा क्या हुआ जान बूझ पानी में गिरा क्योंकि बेरे का वज़न ज़्यादा होने से वह जान बूझकर पानी में गिरा मालिक ने गधे को सबक कैसे सिखाया मालिक ने गधे को सबक कैसे सिखाया गधों पर रूही लद, लदा दी लदा दी गाय क्या हुआ लदा दी गया गधा पानी में गिर पड़ा रूही पानी पानी सोख लिया रूही पानी सोख लिया भेरे का भार हल्का होने के बजाय क्या हुआ भारी हो गया इस तरह मालिक ने गधे के गधे को सबक सिखाया और एबार मैं पढ़ती हूँ गदे पर रूही लदा दी गया गदा पानी में गिर पड़ा रूही पानी में सोख लिया, लिया, क्या हुआ? पानी लिया। बेरे का भार हल्का होने के वजह भारी हो गया तरह मालिक ने घोड़े को सबक सिखाया इस तरह मालिक ने क्या किया कोड़े को सबक सिखाया पांच क्वेश्चन आंसर्स यू आर हैविंग ओनली फाइव क्वेश्चन आंसर्स विपरीतार्थ शब्द लिखो राइट द अपोजिट वर्ड्स दिस इज योर टेक्स्ट बुक वर्क सी हियर पास दूर एक अनेक दिन रात बड़ा छोटा गिरना उठना मालिक नौकर भारी हल्का यहाँ पे आप लिखना चाहिए दे दे हैव गिवन यू हैव टू राइट आई हैव रिटर्न एंड शोइंग यू यू कैन प्रैक्टिस दिस ऑल्सो आर पार आगे पीछे इसने उसने आज कल प्राचीन नवनीत नव नवीन नवीन मीन्स न्यू नवीन अधूरा धूरा अप, अपना पराया अपना पराया, प्रायागेन आर पार आगे पीछे इतने उतने आज कल प्राचीन नवीन अधूरा धूरा अपना पराया दीज आर अपोजिट वर्ड्स यू हैव टू प्रैक्टिस ओके ये है गृह पाठ आपकी होमवर्क वर्कशीट विपरीतार्थ शब्द लिखिए थ्री टाइम्स यू हैव टू राइट दिस सी हियर यू हैव टू प्रैक्टिस अपोजिट वर्ड्स थ्री टाइम्स ओके आर इसने एक गिरना भारी अपना प्राचीन आज आगे अधूरा सी द टेन वर्ड्स यू कैन सी सी इट प्रॉपरली एंड यू हैव टू आंसर You have to write this in worksheet, okay? Means work sheet, you have to write in your workbook, not sheet, workbook. Yes. You have to practice the opposite words three times, okay? Thank you.